हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्मृति। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन ब्लॉगर स्मृति में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें इसके लिए। और आप इससे बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारा सामान अरेंज कर सकती हैं। और मैं बताऊँगी कि इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा। सबसे पहले हमको चाहिए होगा एक पेपर शीट, इसके बाद हमको एक सीज़र चाहिए होगी, फेविकॉल, देन ग्लू गन, और हमको चाहिए होगा फुटवेयर बॉक्स। हमको तीन फुटवेयर बॉक्स लिए हैं हमने। अगर आप चाहे तो दो या चार या पांच जितने लेना चाहें या तीन जितने चाहिए हो आप उतने ले सकते हैं। हमने तीन लिए हैं। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके लिड को कट करना होगा। मैं इसके लिड को इसलिए कट कर रही हूँ, अगर हम अंदर करते हैं तो थोड़ा फिनिशिंग कम दिखेगी, इसलिए हम इसके लिड को कट कर रहे हैं। और इसके बाद हम इसके सारे तीनों लिड को ऐसे ही कट कर लेंगे इसी तरह से। और उसके बाद हमने देखिए तीनों लिड को कट कर लिया है। और जो इसका ये निकला हुआ है लिड का कार्डबोर्ड, उसका भी हम यूज़ करेंगे। इसके बाद इसको स्टिक कर लीजिए जो इसके साइड का है। अगर आप चाहें तो इसको भी कट कर सकती हैं। मैंने इसको कट नहीं किया है, मैंने इसको इसमें स्टिक कर दिया है। स्टिक करने के बाद इन तीनों बॉक्सों की साइड का जो है इसको स्टिक करने के बाद हम इन्हें अरेंज कर लेंगे अच्छे से। और इस तरह से अरेंज करके अब हम इनको ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करेंगे। आप चाहें तो फेविकॉल भी ले सकते हैं या सेलो टेप से स्टिक कर सकते हैं, या चाहें तो आप स्टेपलर से भी कर सकते हैं। मैंने ग्लू गन से किया था, ये फेविकॉल से भी कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमने तीनों बॉक्स स्टिक कर लिए हैं। इसके बाद हम इसे सेलो टेप की हेल्प से थोड़ा बेस देने के लिए, इससे मजबूती रहे, तो मैं इसे सेलो टेप से भी स्टिक कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने स्टिक कर लिया है। ये कैसी दिख रही है, ये पेस्ट होने के बाद मैं इस पर ग्रीन जो मैंने शीट ली थी मैं उसको स्टिक करूँगी। इस पर स्टिक करने से पहले आप इसको अच्छे से मेज़रमेंट कर लीजिए। मेज़रमेंट के बाद ही आप इसको शीट को कट करके फिर पेस्ट करिए। अगर आप चाहें तो आप पतला जो पेपर शीट आता है वो भी लगा सकते हैं। वो स्टिक करना थोड़ा ईजी होता है, इसको थोड़ा मुश्किल से स्टिक होती है। और आप है ना इसको या तो आप वाटर जो वाटर लाइनर आता है आप वो भी लगा सकते हैं, इससे वाटर प्रूफ हो जाएगा। आप अपने स्लैब पे भी रख सकते हैं फिर। और हमने इसको पीछे से स्टिक करने के बाद अब मैंने इसको स्टेपलर की हेल्प से स्टेपल कर दिए इसके साइड। और जो थोड़ा बहुत बचेगा जो स्टेपलर से नहीं हो पाएगा वो मैं इसे सेलो टेप से कर दूँगी अच्छे से। आप इसे अच्छे से स्टिक कीजिए। मैंने वेलवेट पेपर लिया है और मैं इसको अंदर इससे स्टिक करूँगी। आप चाहें तो कोई सा भी पेपर ले सकते हैं, कोई से भी कलर का चार्ट पेपर लेके आप उसको स्टिक कर सकते हैं। ये वेलवेट पेपर बिल्कुल जैसे फैब्रिक पर वेलवेट वर्क होता है बिल्कुल वैसे ही इस पर भी दिखता है। आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, मेरे पास ग्रीन अवेलेबल था इसलिए मैंने ग्रीन लगाया। आप इसमें कुछ भी अलग कलर का लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। और इसको मैंने मेज़र करके इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको मैं इस पर पेस्ट कर रही हूँ। आप इक्वल साइज़ का कट कीजिए और फिर इस पर पेस्ट कर दीजिए। ये बहुत इससे थोड़ा देखने में भी अच्छा दिखता है और थोड़ी सी इसमें मजबूती भी आ जाती है, एक लुक वाइज भी बहुत सुंदर हो जाएगा। ये ऐसे ही मैंने कट तीनों बॉक्स के लिए कट किया है और तीनों बॉक्स पे मैं स्टिक कर दूँगी इसी तरह से। और ये देखिए मैंने बॉक्स ये पूरा जो पीछे भी जो मैंने ग्रीन शीट लगाया था वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। और मैंने आगे भी पूरा वेलवेट पेपर से स्टिक कर दिया है, उसके तीनों कंपार्टमेंट को मैंने वेलवेट से स्टिक कर दिया है। और जो आप ये ब्लैक स्ट्रिप देख रहे हैं मैंने ब्लैक शीट से मैंने ये स्ट्रिप ली है, कुछ 2 से 3 इंच चौड़ाई रखी है इसकी। मैं इसको इस पर स्टिक कर दूँगी स्टेपलर की हेल्प से। मैं इसको स्टिक करूँगी। इसको स्टिक करने से एक तो ये थोड़ा देखने में अच्छा हो जाएगा और दूसरा इस कंपार्टमेंट में कुछ सामान रखेंगे तो ये गिरने का डर नहीं रहता है और थोड़ा इससे ग्रिप हो जाता है। और इसको ऐसे
हम स्टेपल कर देंगे, जो एक्स्ट्रा शीट है उसको कट कर देंगे। आप चाहें तो इस दिख रहे हैं आप कैसा दिख रहा है, आप चाहें तो इस शीट की जगह आप है ना हार्डबोर्ड शीट भी लगा सकते हैं, या आप इस पे है ना थ्रेड, जो मोटा वाला थ्रेड आता है वो लगा सकते हैं। मेरे पास वो अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने यही लगाया है। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छा दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छा, आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसे कहीं भी फ्रिज के बगल से और अपने बेड के बगल से, अलमीरा के बगल से, ड्रेसिंग टेबल में कहीं पर भी रख सकते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल है। ये मैंने अपने ऑर्गेनाइज़र में कुछ सामान रखा है, ये मैंने किचन में ऑर्गेनाइज़ किया है। आप इसमें कुछ भी रख सकती हैं, अपना कॉस्मेटिक और भी कुछ भी सामान रख सकती हैं अपने, जैसे ड्रेसिंग टेबल पे अपनी लिपस्टिक वगैरह, या अपने अलमीरा के बगल से भी रख सकती हैं। मैंने अपनी फ्रिज के बगल से रखा हुआ है। ये देखिए कितना इजी है, जो स्पेस हमारा वेस्ट था उसमें हमारा इतना सारा सामान आ जाएगा। अभी इसमें हम और भी सामान रख सकते हैं। ये देखिए फ्रिज के स्पेस था उसमें ये आ गया, इसको निकालना भी बहुत ईजी है। मैंने फुटवेयर बॉक्स का जो लिड था उससे बनाई है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे बनाई है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।